हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज टशन में थोड़ा चश्मा वश्मा लगा रखा है, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, धूप आ रही है इसलिए थोड़ा चश्मा लगा लिया है। दोस्तों आज देखिए, बहुत से लोगों की शिकायत है कि रॉड रील का सेटअप जो है, मैंने पहले भी वीडियो डाल रखा है बट उसके अंदर बहुत पुराना वीडियो हो गया, शायद देख नहीं पा रहे हैं लोग, तो दोबारा से बताता हूँ दोस्तों। ये रॉड है, ये मेरी लुकाना की रॉड है, डेड एविल, बहुत अच्छी रॉड है दोस्तों, लाइट वेट। दूसरी बात मैं आपको ये बता दूँ कि आपको अगर लंबी कास्टिंग करनी है और देर तक कास्ट करना है, सुबह से शाम तक कास्ट करना है, तो आपको लाइट वेट रॉड लेना चाहिए। लाइट वेट रॉड आजकल बहुत अच्छी आ रही है, पेंसिल रॉड है, देखिए प्रीडेटर की पेंसिल रॉड है, ये बहुत अच्छी रॉड है। ये रील देखिए दोस्तों, अभी मैंने मंगाई थी, इसका मैंने आपको बताया था, गोल्डन ईगल लुकाना की है, ये बहुत अच्छी रील है। तो दोस्तों आज हम सेटअप बताएंगे, क्योंकि अभी कुछ लोगों का मेरे पास कॉल आया था कि भाई हमारा थ्रो नहीं जा रहा, तो मैंने उनको वीडियो कॉल करके बात की कि भाई आप, मैं वीडियो कॉल कर लेता हूँ अक्सर लोगों को, आप लोग भी कर सकते हैं फ्रेंड्स, तो उनको मैंने बताया। ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से इसको इसके अंदर लगाएंगे हम। देखिए आप अच्छे से देखिए, इसको फुल टाइट कर लीजिएगा, ये फुल टाइट हो गई फ्रेंड्स। तो वो क्या कर रहे थे दोस्तों कि ये देखिए, ये हमने चार फंदी आपको लगाना बताई थी, अभी ये देखिए ये चार फंदी है दोस्तों, चार फंदी हमारा दिया हुआ नाम है। वैसे ये चार, इसको चार बल दे के हम लोग बनाते हैं, ये टूटता नहीं है, जो स्नैप स्वाइवल से नुकसान होते थे वो अब इससे नहीं होंगे। तो दोस्तों देखिए, ये लाइन यहाँ से यूँ निकल रही है, इसको यूँ नहीं निकलने देना, इसको बेल क्रैन को आप अनलॉक कीजिए और इसमें से आपको ये लाइन निकालनी है, और इसके बाद देखिए दोस्तों, इसके अंदर से ये लाइन निकालना है और इसके बाद इसको गिरा देना है, ये इसके ऊपर चलना चाहिए। ड्रैग अगर आप स्नैक हेड खेलने जा रहे हैं तो ड्रैग आप फुल रखिए, जैसे ये है, ये कैटफिश के लिए है दोस्तों, कैटफिश को खिला के निकालना चाहिए। तो दोस्तों ये रहा, इस तरीके से आप इसको चलना चाहिए। तो वो क्या कर रहे थे फ्रेंड्स, वो इसको गिराए बगैर, इसको गिराए बगैर वो थ्रो कर रहे थे, तो थ्रो से वो यहीं गिर जा रही थी। तो ये चीज़ें आप बहुत गौर से देखा करिए, स्किप मत किया करिए दोस्तों, मैं बड़ी मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए। आज ही मैं पानी पे आया हूँ आपको सिर्फ ये बताने, वीडियो बनाने के लिए। अबरार भाई की तबीयत ठीक नहीं है आज, हमारी भी तबीयत ऐसी हो रही है थोड़ी सी। दोस्तों देखिए, अभी हर एक के अंदर से हमें डालना है बहुत अच्छे तरीके से। देखिए इसमें, इसमें कोई छूट ना जाए दोस्तों, नहीं तो आपके कास्टिंग पे फ़र्क पड़ता है। ये पूरा डल गया फ्रेंड्स, ये देखिए। अब इसके अंदर हम दोस्तों फ्रॉग लगाएंगे, ये मेरा वही जैक फ्रॉग दोस्तों, बहुत अच्छा फ्रॉग है, जब भी आए तो आप मंगा लीजिएगा, मेरे पास आएगा या आमिर भाई के पास आएगा या इंडिया में किसी के भी पास आता है तो आप ज़रूर से मंगवाइए। देखिए दोस्तों, देखिए इसको इस तरीके से हम डालेंगे, डालने के बाद दोस्तों इसको जो है, एक गिठान भी हमने लगा रखी है ताकि बार बार अगर फ्रॉक चेंज करना हो तो ये पकड़ के आसानी से खुल जाता है दोस्तों, और ये बहुत कारगर चीज़ है। तो आपने ऐसे इसको पकड़ा, ऐसे करने के बाद इसको आपको इसमें से डाल के निकालना है, और गिठान लगाने का दोस्तों क्या फ़ायदा है वो देखिए आप, देखिए ये गिठान है दोस्तों, इस गिठान को अपन को पकड़ के ऐसे खींचने से ये फ्री हो जाता है, और आप जब चाहें इसको ऐसे निकाल सकते हैं दोस्तों। तो ये निकल भी गया है, ये देखिए आसानी से निकल गया, ये देखिए वापस लग गया। ये हो गया दोस्तों कंप्लीट। अब दोस्तों क्या करना है कि हमें सबसे पहले स्नैक हेड पे अगर हम आए हैं तो हमें इसको पूरे को टाइट करना पड़ेगा, मैं आपके सामने टाइट कर देता हूँ, डोर हाथ से नहीं निकलना चाहिए। ये 8 किलो का ड्रैग है दोस्तों, तो 8 किलो की ताकत आप लगा के देख लीजिएगा, और उसके बाद जब भी आपको थ्रो करना है तो आपको इसकी सीध में लाना है, इसको बैरिंग को रॉड की सीध में, और इसको यहाँ से पकड़ना है और एक हाथ यहाँ रखना है, देखिए फ्रेंड्स, और फिर इसके बाद इसको यहाँ से आपको लूज़ कर देना है और फिर थ्रो कीजिएगा।
देखिए दोस्तों, और फिर धीरे तेज जैसे भी आपको सही लगे आप इसको चला सकते हैं। देखिए दोस्तों, ऐसे ऐसे करके इसको चला सकते हैं। और दोस्तों, बहुत कम दिनों के अंदर आपके स्नेकहेड हंट होने वाले हैं। ये फरवरी का महीना चल रहा है, तो आप बहुत जल्दी इस चीज़ को देखिएगा। और जैसे अब हमने चलाया और इसके ऊपर ये आ गया दोस्तों, तो इसको हटा दीजिए, इसको हटाना बहुत ज़रूरी है। आपके जो ये हैं हुक, ये बिल्कुल क्लीन रहना चाहिए, साफ़ सुथरे रहना चाहिए, तो इसलिए दोस्तों इनको साफ़ सुथरा करके ही रखें। तो दोस्तों, यहीं तक था आज हमारा वीडियो। उम्मीद करता हूँ जो चीज़ें आपको नहीं पता होंगी वो बता दी आज मैंने। तो दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इजाज़त दें ज़ाकिर को। अस्सलामुअलैकुम।